वेलकम एवरीवन। दोस्तों इस वीडियो में हम क्लास ट्वेल्थ की नवीन प्रकाशन बुक में एक्सरसाइज 3C के क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को फटाफट से लाइक कर दीजिए, साथ ही अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, जिससे और अधिक स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़ के तैयारी कर सकें। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया है? 9 दिया है, यदि ए और बी दो समान क्रम के सममित आव्यूह हैं तो सिद्ध कीजिए कि ए बी प्लस बी ए भी एक सममित आव्यूह है। क्या दिया है? दो समान सममित आव्यूह हैं, समान क्रम के हैं, साथ ही सममित आव्यूह हैं, यानी स्क्वायर मैट्रिक्स हैं। तो हम कह सकते हैं ये क्या स्क्वायर मैट्रिक्स के सॉरी सममित मैट्रिक्स में क्या होता है, सममित मैट्रिक्स में होता है कि ए डैश अगर ए का ट्रांसपोज करते हैं तो फिर से वही ए आ जाता है, यानी ए आव्यूह आ जाएगा। कोई आव्यूह जिसका ट्रांसपोज करेंगे फिर से वही आ जाएगा, तो ए डैश इज इक्वल टू ए हो जाएगा और बी डैश इज इक्वल टू बी हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात आप समझे। फिर माना P इज इक्वल टू क्या है, P एक कोई सममित आव्यूह है, माना P एक आव्यूह है जो क्या है ए बी प्लस बी ए है। ए आव्यूह है जो इस प्रकार के ए बी और प्लस बी है, क्योंकि हम देखिए ए बी प्लस बी ए सममित आव्यूह है, तो यानी इसका मैं ट्रांसपोज करना होगा, तो इसको ही मैंने मान लिया P आव्यूह है। ये जो आव्यूह है ए बी प्लस बी ए एक पी आव्यूह मान लिया हमने, इसको पी आव्यूह माना है, या लिख सकते हैं माना पी। ठीक है, इस तरीके से लिख लीजिए जिससे आपको समझने में आसानी हो। फिर क्या करने, फिर इसका कर दीजिए ट्रांसपोज, तो पी डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी प्लस बी ए का होल डैश हो जाएगा, होल ट्रांसपोज। तो पी डैश इज इक्वल टू यहाँ से क्या निकलेगा, ए बी का डैश यानी ए बी का ट्रांसपोज प्लस बी ए का ट्रांसपोज। ठीक है, पी डैश यहाँ से क्या निकलेगा, देखिए ए बी का होल डैश क्या निकलेगा, हमने पहली वीडियो में ये फॉर्मूला डिस्कस किया था कि जब भी हम ट्रांसपोज करते हैं तो क्या निकलता है, पीछे से ट्रांसपोज हो जाता है, यानी बी डैश और ए डैश। ठीक है, प्लस इसका पीछे से ट्रांसपोज करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए डैश बी डैश, और अभी अभी हमने निकाला है ए डैश इज इक्वल टू ए, तो रख देंगे वैल्यू, तो पी डैश इज इक्वल टू बी डैश इज इक्वल टू बी, और ए डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए प्लस ए डैश इज इक्वल टू बी सॉरी ए, और बी डैश क्योंकि सिमेट्रिक मैट्रिक है ना, तो बी डैश इज इक्वल टू बी, यानी पी डैश इज इक्वल टू ये फिर से क्या दिया है, इसको अरेंज कर देंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस में है तो अरेंज कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, ए बी प्लस बी ए। फिर से क्या दिया है, यही तो पी आव्यूह है, तो पी डैश इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, पी। तो जब भी किसी मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज करते हैं और फिर से वही मैट्रिक्स आ जाता है तो क्या है, ये क्या हो जाता है, सममित मैट्रिक्स। अतः कह सकते हैं अतः पी भी एक सममित आव्यूह है, पी भी एक सिमेट्रिक मैट्रिक है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। अगर सॉल्यूशन वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर से लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन जरूर से ऑन रखिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सॉल्यूशन वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।